हेलो फ्रेंड्स, एस के फैशन डिज़ाइनर में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक टिप आपको देने वाली हूँ जो बिगनर हैं। तो अगर आप भी सूट स्टिच करते हो तो आपके पास भी ऐसे कोई पीस पड़े होते हैं, जैसे कोई हमें गले की कटिंग करते हैं, गले के बीच में से जो पीस निकलता है, और भी छोटे छोटे पीस रहते हैं जो कि हम ऐसे ही उनको फेंक दें या फिर ऐसे ही वेस्ट हमारे ख़राब हो जाते हैं, वेस्ट चले जाते हैं। तो उनको हम अगर यूज़ करके उनका हम रीयूज़ कर लें तो काफ़ी सारे हमारे पैसे भी बच जाएंगे। जैसे हम स्टिचिंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, सूट स्टिच करते हैं, तो गले में से पीस तो आपका निकलता ही है, तो आपने उनको फेंकना नहीं है। तो आपने क्या करना है, उनको जोड़ के आप गले पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, दो पीस मैंने जोड़ लिए हैं और थोड़ा सा इसको सीधा करके, अब ये देखो चौड़ाई तो इसकी काफ़ी हो गई है, अब लंबाई में ये देखिए छोटा सा पीस और बचा है, तो इसको भी मैं जोड़ लूँगी। तो ऐसे जोड़ के आप जो है बुकरम जो आपके पास पड़ी होती है उसको आप जोड़ के यूज़ कर सकते हो और काफ़ी आप बचत कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं काफ़ी साल से 26 साल मैंने बुटीक का काम किया, अभी मैंने बुटीक छोड़ दी है। तो अभी मैं यूट्यूब पे आई हूँ, इसीलिए आई हूँ ताकि आपको भी, आपके साथ भी अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो ये देखिए, इसको बुकरम को हमने फोल्ड कर लिया है, अब हमने गले का मार्क लगा लेना है, जितना भी आपको ब्रॉड और डीप चाहिए उतना आप नाप लगा लीजिए। और आपका देखो ये वेस्ट बुकरम जो थी वो भी आपके काम आ गई। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल पे मैंने वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी थी इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो ये देखिए, गले का हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बुटीक मैंने इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी, अभी मैं घर पे ही काम करती हूँ और सूट वगैरह जो हैं मेरे पुराने जो कस्टमर हैं घर पे ही मैं काम कर लेती हूँ और बहुत काम कर दिया है मैंने। पहले मेरा बुटीक था, 27-28 साल मैंने बुटीक का काम किया, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहती हूँ घर पर रह के ही, तो बुटीक पे जाना भी मेरा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं घर पे रह के ही कुछ काम करना चाहती थी। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे, 2 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। तो एक मेरा दूसरा चैनल है एसके क्रिएटिविटी विद सुदेश, तो वो है मेरा पहला चैनल। फिर बाद में मैंने ये भी चैनल शुरू किया था क्योंकि ये मैं चाहती थी कि ये एक्सपीरियंस भी मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करूँ। ये देखिए, तो ये बीच में से जो पीस निकल गया ना, इसको भी हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ये भी हमारा काम आएगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, अभी काफ़ी साल से मैं कोई भी पीस, जो छोटा छोटा पीस भी होता है ना, उसको मैं बिल्कुल भी फेंकती नहीं हूँ। अब ये देखिए, गले को हमने कपड़े पे अटैच करना है, तो कई बार होता है ना जो सीख रहे हैं तो ये देखिए गला थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ऐसे करके। तो अगर आपको भी ये दिक्कत आती है तो आपने क्या करना है, ये देखिए बीच में जो बीच में से पीस निकला था ना गले में से, उसको आपने ये देखिए ऐसे रख लेना है और यहाँ से एक निशान लगा लेना है ताकि आपका गला जो है ताकि बिल्कुल बराबर आए। ये टिप्स जो है बिगनर के लिए है जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है बनाने में। ये देखिए, तो निशान मैंने लगा लिया है, बीच में आप पिन भी लगा सकते हो। अब हमने क्या करना है, सेंटर में एक सिलाई, कच्ची सिलाई जो होती है ना, वो एक लगा लेनी है। ये देखिए, यहाँ से पूरा बराबर करके, ताकि गला हमारा जितना हमने उसको ब्रॉड रखा था ना उतना ही आए। कई बार क्या होता है, गला थोड़ा सा भी इधर उधर को बुकरम आ रही हमारी जो है खिसक जाती है, तो गला एक साइड से हमारा तीरा कम हो जाता है, होता है ना कई बार तीरा कम हो जाता है, तो फिर गले की जो हमारी फिटिंग है सूट की बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो इस बात का आपने ध्यान रखना, ये टिप्स जो है बिगनर के लिए है जिनको थोड़ी सी स्टिचिंग में दिक्कत होती है। अब कपड़े को हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए। तो मैं ना उल्टी साइड से, इस साइड से सिलाई लगाती हूँ हमेशा, जब भी आपने देखा होगा जब भी मैं गला बनाती हूँ मैं ऊपर से ही सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही आदत पड़ी है तो मैं ऐसे ही सिलाई लगाती हूँ। ये देखिए, गला हमारा जो है, गले का पैटर्न रेडी हो गया है। यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा कट कर लेती हूँ। अब सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। अब मैंने ना बिल्कुल किनारे पे भी एक सिलाई लगा ली, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई थी ना। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनके साथ हम कम पैसों में ज़्यादा मुनाफा कर सकते हैं। तो अगर आप भी सूट स्टिच करते हो
तो जब भी आपके पास कोई बुकरम वगैरह बची हो, एक आप लिफाफा रख लीजिए, एक बैग रख लीजिए, उसमें आप जो भी पीस निकलता है उसको इकट्ठे करते रख लीजिए। और जब भी आप, जैसे कई बार होता है हमारे पास बुकरम ख़त्म होती है तो आपके वो काम आ जाएगी। अब ऐसे ही मैं करती हूँ, काफ़ी सारे पीस जो है मेरे पास पड़े रहते हैं, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं सारे पीस निकाल के जोड़ के उनमें से गले का जो है पूरा, गले के लिए ही मैं इनको ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। गले में क्योंकि काम आ जाती है, क्योंकि गले में से ही पीस निकले होते हैं तो हमारे ये काम आ जाते हैं। अब ये देखिए गले को हमने कैसे स्टिच करना है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है। तो इसमें ना ऑलरेडी पाइपिंग लगी हुई थी, बटन लगे हुए हैं, तो जो हमने ये वी शेप का बनाया है ये हमारा बिल्कुल जो पाइपिंग लगी है ना, पाइपिंग के साथ ही बिल्कुल ये आना चाहिए। तो आप देख लीजिए, मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ, सीधा करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो पाइपिंग है सेंटर में वहाँ पे ही हमारा ये कट आया है। तो जब भी आप ये ऐसा गला कोई बना रहे हो, नीचे कोई पाइपिंग लगी हो या पट्टी लगी हो, तो आपने सेंटर पार्ट का बिल्कुल ध्यान रखना है ताकि हमारा गला जो है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। और ये देखिए हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। और फ्रेंड्स, कट्स लगाते वक्त आपने एक बात का और ध्यान रखना है, सिलाई जो है बिल्कुल हमारी कटनी नहीं चाहिए। आप इसको सीधा करके ऊपर से मैं एक टॉप स्टिच लगा दूंगी। और ये देखिए गला हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आई है ना पाइपिंग, तो ऊपर से मैंने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा टिप्स अच्छा लगा होगा। ये देखिए एक पीस और बच गया है, तो इसको भी मैं बाद में यूज़ करूँगी, अब मैं फेंकूँगी नहीं। तो काफ़ी सारी बुकरम ऐसे ही मेरे पास होती है, उसका मैं बिल्कुल फेंकती नहीं और यूज़ कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।